नमस्कार दर्शक बंधु, फ्रांस रो महान भविष्यवक्ता बिसेल नास्तेदस जी भविष्य होनेकुड़े भविष्यवाणी विषय बहुत वर्ष पूर्वर तांकर बही लेस प्रोफेटिस रे करिथिले। जदि आमे 16 शताब्दी विषय कथा हबा ताहले एही शताब्दी रे नास्तेदस द्वारा अनेकगुड़े भविष्यवाणी करा जाइथिला। विंश शताब्दी रे लोकमाने एहाकु सत्य हेउथिबार देखिथिले। जेतेबेले एही भविष्यवाणी सत्यर रूप नेबाकु लागिला सेतेबेले तांकर सबु ध्यान निज आड़कु टाणी नेला। एहाद्वारा लोकमानंकर तांको प्रति भल पाइबा आहुरी बेसी देखिबाकु मिलिथिला। आपण माने जाने कि आश्चर्य हेबे नास्तेदंसकर गोटिए दुईटी नुह बरं 400 वर्षरे 800 रु बेसी भविष्यवाणी सत्य भावरे प्रमाणित होइअछि। से इंग्लिश मानक विषय कहिथिले कि 1942 मसियारे इंग्लैंड रा बटर्स दुनिया रे शेष होबा आरंभ होइजिबो एवं एहा मध्य हेबाकु लागिथिला। नास्तेदंस नाजियोंको विषय कहिथिले एहा गोटिए दिन इहुदींक उपरे लगाम लगे देबे एमिति मध्य होइथिला। पुणी नास्तेदंस एमिति एक बड़ भविष्यवाणी करिथिले जेउथिरे दुनिया रो एवं सारा पृथ्वीर अंश दोहली जिबो जहाकु करोना भूताणु महामारी सहित जोड़िकी देखा जाइछि। एमिति कि नास्तेदंस को बहुत किछि भविष्यवाणी जहाँ एपर्यंत सत होइनाहि। आज आम जानिबा नास्तेदंस का रूस उपरे करा जाइथिबा सही भविष्यवाणी विषय रे जहार सीधा संबंध भारत सहित रहिअछि। हाँ, भविष्यवाणी रे एपरी कहा जाइछि कि दक्षिण भारतरु एमिति एक नेता आसिबे जहाँ द्वारा विश्व को गोटिए करिकी रखिदेबे। ताहा द्वारा रूस साम्यवाद को छाड़िकी हिंदू धर्म को स्वीकार करिनब। अर्थात एहा अटे कि रूस हिंदू धर्म रे प्रभावित होब एवं भारत सहित मिसिकी अन्य देश रे हिंदू धर्म रो प्रचार करिब। हुएत रूस रो हिंदू धर्म प्रति थिबा भल पाइबा एही भविष्यवाणी को केउठी ना केउठी सत्य बोली प्रमाणित करूअछि। कारण हिंदू नेतांक द्वारा एशिया को पूर्णी थरे एकाठी करिबार भविष्यवाणी केबे सत हब एहा देखिबाकु बाकी रहिछि। जदि आमे भारत विषय कहिबा ताहाले नास्तेदंस एपरी कहिछंती भारत भितरे एमिति जणे हिंदू नेता आसिबे जे हिंदू धर्म को एशिया रे व्यापक करिदेबे जहांक द्वारा एशिया रे जोरे हिंदू धर्म रो विस्तार हेबाकु लागिबो। से एहा मध्य कहिथिले कि तीन गोटी शहर रो क्षेत्र रे सही नेता जन्म नेबे। जेमिति कि आपणंकु जणाथिबो हिंदुस्तान मध्य रे तीन गोटी अन्य समुद्र रे घोर आसीथिबा क्षेत्र रे आसीथाए। से एकथा मध्य कहिथिले गोटिए दिन सही रविवार बदल रे गुरुवार को छुट्टी दिन बोली घोषणा करा जिबो। जदि आमे भारत कथा कहिबा ताहाले नास्तेदंस एपरी कहिछंती भारत भितरे एमिति जणे हिंदू नेता आसिबे जिए कि हिंदू धर्म को एशिया रे व्यापक करिबे। से एशिया को पूर्णी थरे एकाठी करिदेबे एवं रूस रे बहुत शीघ्र हिंदू धर्म रो विस्तार होइजिबो। सेही नेतांक विषय रे से तांकर बही रे उल्लेख करिथिले एही नेतांकर चर्चा सारा दुनिया रे हबो एवं तांकर निज देश रे तांको चेहरा रो कोनोसी भी नेता हेबे नाही। लोकमाने तांको प्रथमे तो घृणा करिबे किंतु धीरे धीरे से समस्तंकर अति प्रिय एवं परिचित चेहरा पलटिजिबे। से गरीब परिवार रे जन्म होबे से कोनोसी मुक्तिदातांक ठारु कम हेबे नाही। आगु को जाई से गोटे दिन रविवार बदल रे गुरुवार को ही छुट्टी दिन घोषणा करिबे। जेमिति कि आपण माने जानिथिबे भारत रे गुरुवार को एमिति एक बार रूप रे देखा जाइथाए जहाकु सबु धर्मर लोक माने सम्मान भावरे पालन करिथांती। एबे एही भविष्यवाणी को संपूर्ण हेबार अपेक्षा करा जाइछि। शेषरे किए करिबे गुरुवार को निजर छुट्टीर दिन घोषणा। नास्तेदंसकर एही भविष्यवाणी केबे सत्यर रूप नेब एहा देखिबा बहुत रोमांचकर अटे। किंतु 2021 को नै नास्तेदंस कौन किछि निजर बही लेस प्रॉफिटेस रे लेखि सारिछंती। 2020 मसिया आरंभरु एही देश
लगातार भावरे कोरोनारे फसी रहिछि। एहा द्वारा केजाणि केते लोकंकर जीवन जाइछि एवं केजाणि केते लोकंकर चाकरी मध्य जाइछि। एहा द्वारा 2020 मसिया को अमंगल बोली मध्य कहा जाइछि। एहा सहित सत होइथिबा फ्रांसी भविष्यवक्ता माइकल दिना सदर्स कर किछि एमिती भविष्यतवाणी जहाँ 2020 मसिया को नहीं से बहुत पूर्वर ही कर सारी जमीक लेस प्रॉफिटेस नामक बहिरे नास्तिदम्स भविष्यवाणी कोरोना सहित जोड़ा जा देखा जाता जहाँ पूरा देश एवं दुनिया रे घटना विषय वर्णना करा जाए। आज आम जानवा 2021 मसीहा को नहीं नास्तिदम्स द्वारा करा जाइथिबा सही सात गोटी भविष्यवाणी विषय जहाँ 2021 को 2020 ठारु बेसी खराब करुथिबार देखा जाउछि। 2021 रो पांच मास बीतिगलाणी एमितिरे नास्तिदम्स भविष्यवाणी लोकमानक मध्यरे एमिति एक डर भरी देइछि जहाँ सत हेबार देखा जाउछि। 2021 को नहीं नास्तिदम्स बहिरे जो कविता लेखिछंती ताहा देश दुनिया पाई बड़ क्षतिर आक्षेप करुछि। नास्तिदम्स लेस प्रॉफिटिस से कहिछंती पृथ्वी सहित एक धूमकेतुर धक्का हेब। पृथ्वी सहित धूमकेतु धक्का हेबा द्वारा भूमिकंप एवं अनेक प्रकारर प्राकृतिक दुर्विपाक मान आसिब। पृथ्वीर कक्षरे प्रवेश करिबा द्वारा क्षुद्र ग्रह मानंकर तरळिबा आरंभ करिदेबे। आकाशर एहि दृश्य बड़ धम्माका सृष्टि करिब। एहि भविष्यवाणी को नहीं नासार वैज्ञानिक माने प्रथमरु ही एक बड़ धूमकेतु पृथ्वी सहित धक्का हेबार संभावना विषय कहिथिले जहाकु अति गंभीरतार सहित निया जाइथिला। कारण 2009 मसियारे KF1 नामक एक क्षुद्र ग्रह 2021 मसिया मेरे पृथ्वी सहित धक्का हेबार संभावना रहिथिला जहाकु नहीं वैज्ञानिक माने कहिथिले एही क्षुद्र ग्रहर शक्ति 1945 मसियारे हिरोशिमा उपरे अमेरिका द्वारा पका जाइथिबा परमाणु बोमा ठारु प्रायत 15 गुण अधिक हबो। एही क्षुद्र ग्रह पृथ्वीर पाख देई पलाई गला किंतु जदि एहा टिके भी निजर गति बदलाई देथांता ताहले एहा निश्चिंत भाबरे पृथ्वी सहित धक्का करिथांता जहाँ पृथ्वी पाई बहुत ही क्षतिकारक प्रमाणित होता। नास्तिदम्स बहिरे एहा मध्य कहिथिले जेतेबेले दुनियार अंत पाखेई आसिबो सेतेबेले अकाल भूमिकंप भिन्न भिन्न प्रकार रोग महामारी एहा पूर्वरु संकेत प्रदान करिबो जहाँ एही समय रे घटुअछि। कोरोना भूताणु महामारी एहार आरंभ बोली कहा जाउछि जहाँ पूरा दुनिया को दोहलाई देछि। एहा एमिति एक अकाल हेबो जहार सामना दुनिया पूर्वरु केबे मध्य करिनथिबो। ताहले नास्तिदम्स एही दुईटी भविष्यवाणी जहाँ प्रायत सत्य घटुछि किंतु 2021 मसीहा शेष होगापी आहरी बहुत समय बाकी अच्छी। एमती रे नास्तिदम्स 2021 को नहीं जो भविष्यवाणी ताहा दुनिया पर कौन कौन प्रभाव पकाइब ताहा मु आपण मानक जणाइ देउछि। 2021 मसीहारे सूर्यंकर ध्वंस को नहीं नास्तिदम्स निजर बहिरे जहाँ लेखिछंती ताहा हुए तो आपण को आश्चर्य करदेब। कारण सूर्यंक बिना आमे आम जीवनर कामना मध्य करिपारिबा नाही। नास्तिदम्स निजर भविष्यवाणी एहा करि सारिछंती कि सूर्यंकर ध्वंस पृथ्वीर क्षतिग्रस्तर कारण हेबो। नास्तिदम समुद्र तल बहिबा एवं ता भितरे पृथ्वी भासिजिबा विषय चेतावनी मध्य देइछंती। नास्तिदम्स बही मतरे एक रुशियन वैज्ञानिक एमिति एक बायोलोजिकल व्यापन एवं भूताणु तयारी करिबो जहाँ मनुष्य को जन्म करदेव। से ही भूमिकंप को नहीं नास्तिदम्स बहिरे कविता द्वारा कही गोटे भूकंप नूतन पृथ्वी को ध्वंस करदेव। जेतेबेले एही कविता को डिटेक्ट करागला एहा नूतन पृथ्वी को कैलिफोर्निया सहित जोड़ा जाइथिला जेहुठारे एही घटना घटिपारे।
2021 मसीहाकु नै नास्तेदम जो भविष्यवाणी करिथिले सेथि मध्यरु गोटिए एपरी अटे कि आमेरिकार सैनिकक वृद्धि उपरे मस्तिष्क ब्रेन चिप लगा जिवो जेमितिकि मानव जातिकु बंचेबा पई आमेरिकार सैनिक मानंकु बेसीरु बेसी वृद्धिर स्तर उपरे साइबोक्स परि बदला जिवो एवं एथिरे ब्रेन चिप व्यवहार करा जिवो। एही चिप मनुष्यर मस्तिष्कर बायोलोजिकल वृद्धि को वृद्धि करिबारे काम करिवो। एहा माने हला आमे कृत्रिम वृद्धि निजर शरीर एवं बुद्धि रे संयोग करिबा। एहा तो अपन माने जानिले नास्तेदम्सकर भविष्यवाणी विषय रे 1503 मसीहा एहा सेही वर्ष थिला जेतेबेले फ्रांसर एक छोट गां सेंट रेमेडी प्रोवेंस रे नास्तेदम्स जन्मग्रहण करिथिले। 9 जन भाई भौणीक मध्यरु जणे थिले नास्तेदम्स। पाठ पढ़ीबा पई से चाहुथिले किंतु तांको भाग्य रे किछि अलगा थिला। 14 वर्ष बयसरे से जेतेबेले विश्वविद्यालय एविगनन पहुँचिले सेही समरे कोनोसी चिकित्सा होई पारुनथिला एवं प्लेग रोग सेतेबेले व्यापीथिला। मृत्युर भयरे विश्वविद्यालय को छाड़िबाकु तांको पड़िथिला। छोट बयसरे नास्तेदम सेतेबेले भविष्यवाणी करिथिले कि एमिति जणे आसिबे जिए एही महामारी को लड़िबा पई औषध तयारी करिवे। तांकर एही कथा सीधा लुईस पास्चर आड़कु थिला। एहा परे किछि वर्ष पर्यंत नास्तेदम्स विभिन्न देशमान भ्रमण करिथिले। एहा मध्यरे तांकर हर्बल औषध प्रति आग्रह बढ़िला जहाँ उपरे मध्यों से गवेषणा करिले। एकथा मध्यों कुहा जाए कि नास्तेदम्स अनेक गुड़िए आयुर्वेदिक औषध तयारी करिथिले। 1529 मसीहारे मांचपिलाल विश्वविद्यालय रे प्रवेश करिथिले किंतु जेतेबेले सेठिकार प्रोफेसर को जना पड़िला कि सही व्यक्ति कोनोसी डिग्री न करी औषध तयारी करि देउछंती एवं औषध एक प्रकार ड्रग्स रूप होइथाय एथिपई विश्वविद्यालय रु तांकु बाहर करि दियागला। समय अतिवाहित हला 1534 मसीहारे से तांकर स्त्री एवं दुईटी पिला साथीरे रहितिले। प्लेग भली महामारी रे समस्ते फसी गले। एहा द्वारा नास्तेदम निजर भविष्यवाणी उपरे काम करिबा आरंभ करितिले। सेही समयर भविष्यवाणीर कोनोसी लेखा नाही। समयर चक्र घूरी बुलुथिला। 1547 मसीहारे सेलंग द प्रोवेंसरे से अवस्थापित होइगले। सेठारे से जणे धनी विधवा महिलांकु विवाह करिले जहाद्वारा तांकर 6 जण पिला जन्म हेले। तापरे नास्तेदम्स तांकर पूरा ध्यान भविष्यत बाणी करिबारे लागि पड़िले। कुहा जाए कि गोटिए दिन नास्तेदम्स रास्तारे जाउथिले आउ सेही समय रे से एक बालकर सामनारे नाही केवल मुंड नुहाइले बरं ताकु सलाम मध्य कले। जहा परे तांकु पचारिबा द्वारा से कहिले कि भविष्यतरे कैथोलिक धर्म संप्रदायर सर्वप्रधान अध्यक्ष को से सलाम करुथिले। नास्तेदम्स का मृत्युर 15 वर्ष परे सेही बालक ईसाई मानकर सर्वोच्च धार्मिक गुरु भावरे निजुक्ति हेले। नास्तेदम्स कर दुनिया चंद्र तारा ग्रह मानकर चाली चलनी भाग्य चंद्रर आलोक एवं ए सबु भितरे ही घुरी रहुथला। लोकमानक मतरे नास्तेदम्स ना ही केवल पानी रे चंद्रंकर छाया को देखिकी भविष्यवाणी करुथिले बरं मृत आत्मामानक सहित कथाबार्ता मध्य करुथिले। एही कथा एवं कार्यरे केते सत्यता रहिछि एहा तो जणा नाही किंतु तांकर पूरा जीवन कालरे नास्तेदम्स प्रायतः 6338 भविष्यवाणी करिथिले। एमिति भी नुहे नास्तेदम्स छोट बेलु बहुत गरीब थिले। एक बड़ परिवार रे से जन्म होइथिले काहेकि ना से तो भविष्यवाणी करुथिले। एही कारणरु तांकर पैसार अभाव केबे मध्य हेइ नथिला। एबे मु आपण मानंको कहुछि नास्तेदम्स भारत सहित जड़ित केउं भविष्यवाणी करिछंती एवं सेथिरे केते मात्रा रे सत्यता रहिछि। भारत रे ताहा हेबो जहाँ दुनिया रे हेबो नाही। गोटिए घर रे जन्म हेबो दुनिया रो मुक्तिदाता। प्रथमे समस्ते ताकू घृणा करिबे किंतु परे समस्ते ताकू भलो पाइबे। द प्रेफरेंसेस बही निजे भविष्यवक्ता नास्तेदम्स निज हाथ रे लेखिथिले। 460 वर्ष पुरुणा भविष्यवाणी
ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୁଜରାଟର ଭଟ୍ ନଗରରେ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ପିଏମ୍ ମୋଦି 2014 ମେ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କେହି କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ କି ଗରିବର ଦୁଃଖକୁ ଭୋଗୁଥିବା ଏବଂ ଷ୍ଟେସନରେ ଚା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ସେହି ପିଲା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦେଶର ମହାନାୟକ ହେବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ନାସ୍ତେଦମ୍ସଙ୍କ ସହିତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କଥାର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସେ କରୁଥିଲେ, ଆସୁଥିବା 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟ ଏମିତି ଜଣେ ଅର୍ଥବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଆସିବ ଯାହା ଭାରତକୁ ଅନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜଗତରେ ନୂଆ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ପିଏମ୍ ମୋଦି ହିଁ କରିବେ। ନାସ୍ତେଦମ୍ସଙ୍କ ମତରେ 2012 2025 ମଧ୍ୟରେ ଦୁନିଆରେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯିବ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସବୁ ଦେଶ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ନାୟକରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଶତଶକ୍ତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ। ଧରଣୀ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆକୁ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ର ନାୟକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବେ। ଲେଡି ଡାଇନାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ, ହିଟଲରଙ୍କର ଉଦୟ ହେବା, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ବା ପୁଣି 9/11 ଭଳି ଆକ୍ରମଣ ହେବା, ଏହି ସବୁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ନାସ୍ତେଦମ୍ସ 400 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କରିସାରିଥିଲେ। ଏମିତି ଜଣାନାହିଁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ତାଙ୍କର ବହି ଅଛି ସେଥିରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ସେହି ବହିକୁ ଆପଣ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ବହି ଦୋକାନରୁ ବା ଇ କସମ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ କିଣିପାରିବେ। ଶେଷରେ ଦିନାଶୁ ଦମସ୍, ଯାହାଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ଜଣେ ମହାନ ଭବିଷ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତା ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ପରିବାର କେମିତି ଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ସେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଘରେ ଟେନସନ୍, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ୍, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇସବୁ ଟେନସନ୍ରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।